नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां भाजपा पार्टी ने संदीप सिंह को दिया बड़ा झटका। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। भाजपा ने छेड़खानी के आरोपी मंत्री संदीप सिंह से दूरी बना ली है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बुधवार को जज्जर स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भिवानी में 10 व 11 फरवरी को आयोजित होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मंत्री संदीप सिंह को नहीं बुलाया गया है। वहीं दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी नहीं बुलाया गया। मंत्री संदीप सिंह मामले में चंडीगढ़ पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। चंडीगढ़ पुलिस को रिपोर्ट जल्दी देनी चाहिए। इस विषय पर सरकार व संगठन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि पीड़िता के साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्र सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर, केंद्रीय संसदीय बोर्ड सदस्य डॉक्टर शुदा यादव, हरियाणा सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों सहित 350 से अधिक नेता व पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में सरकार और संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा होगी और भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाएगा। धनखड़ ने अन्य सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अमृतकाल के बजट की 70 प्रशंसा हो रही है। विपक्ष का काम आलोचना करना होता है। विपक्ष को सार्थक आलोचना करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष दिशाहीन व तर्कहीन हो चुका है। वहीं गांव की छोटी सरकार हो या प्रदेश की सरकार, सभी जनता के हित में बात करते हैं, इसलिए यह विवाद का विषय नहीं है। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।